चीज को माँ कहते हैं मतलब वो खत्म, वो बचेगी नहीं, चाहे वो हमारी नदियों की स्थिति है, जो हालात है आप देख सकते हैं। तो हमें सोचना होगा कि क्योंकि हम फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम ऊपर एक पेडेस्टल पे उस चीज को बैठा देते हैं, उस व्यक्ति को बैठा देते हैं, उसके बाद हम अध्ययन विचार करना बंद कर देते हैं। तो बाबा साहेब और चौधरी चरण सिंह जी के संदर्भ में हमें और अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ कि मजिया मत कहो, वो हमारे बीच के थे, वो मूल तौर पे भारतीय थे, गांव की संस्कृति, गांव की पीड़ाएं, देश के मूल और असली चरित्र और समस्याओं पे उनके विचार थे और उन्होंने अनन्य काम किए। आइए मिलकर उनके काम और उनके जीवन को बेहतर तौर से हम समझ पाए, सबक सिखा पाए औरों को भी, ताकि 21वीं सदी में भारत वर्ल्ड कॉमिटी ऑफ नेशंस में अपना स्थान पाए। 1931 के बाद हुआ नहीं देश में। अब एक बार वो जानकारी हमें मिल जाए कि सामाजिक और माली हालत सब लोगों की देश में क्या है, उसके बाद आप किस प्रकार से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए योजना और नीति और कानून बनाना चाहते हैं, वो बात की बात। अफर्मेटिव एक्शन आप क्या लेंगे, वो सरकारों की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो बाद का पहलू। पहला तब तो ये है कि जान तो लीजिए, आंखें पे जो पर्दा लगा है उस पर्दे को हटा तो लीजिए, देश की वास्तविकता को देख लीजिए। बिहार ने एक एक्सरसाइज की है, कुछ राज्य में ये एक मुद्दा राजनीतिक सरगर्मी पे है और पार्टियां जो सत्ताधारी हैं या जो सत्ता में आना चाहती हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राज्य में कराएं, देश में भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए। इसमें अलग अलग राय हो सकती है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जो बिहार की एक्सरसाइज है जो हमारे राज्य की सरकार ने किया, मैं बधाई देता हूँ। 94 लाख परिवार उन्होंने देखा, 94 लाख परिवार ऐसे हैं, परिवार पूरा का पूरा परिवार है, एक सदस्य नहीं, जो महज दिन में 200 रुपये की जो उनकी कमाई, वो 200 रुपये में क्या गुजारा कर रहे हैं, क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां कुपोषित नहीं होंगी, क्या उनके लिए हम पैदा होते ही संभावनाएं बंद नहीं कर रहे हैं, क्या उनके इस गरीबी और गुर्बत से उठाने की हमारी देश के तौर पर जिम्मेदारी है कि नहीं। और जो तस्वीर बिहार की है, क्या जो दूसरे क्षेत्र देश के जहाँ आदिवासी मूल तौर पे रहते हैं, जो पूर्वोत्तर पूरा इलाका है देश का, और उत्तर प्रदेश से भी मैं जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, यही स्थिति और यही तस्वीर देश की बन सकती है। तो मैं दोबारा अपील करता हूँ, और ये है कि हमें इस पर सोचना चाहिए, एक चर्निंग आनी चाहिए हमारे अंदर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वो शब्द मैं बताता हूँ जो उन्होंने सेंसस पे, जो उनका एक उनके तरफ से जो उनकी ओपिनियन थी, 26 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने बोला है कि द सेंसस ऑफ इंडिया हैज ओवर अ नंबर ऑफ डेकेड्स सीज टू बी एन ऑपरेशन इन डेमोग्राफी, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल अफेयर, एवरी कम्युनिटी सीम्स टू बी अटेम्प्टिंग टू आर्टिफिशियली आर्गुमेंट इट्स नंबर्स at the cost of some other community, for the sake of capturing greater and greater degree of political power in its own hands. The scheduled castes seem to have been made a common victim for the satisfaction of the combined greed of the other communities, who through their propagandists or enumerators are able to control the operations and results of the census. ये 1947 में बाबा साहब के सेंसस प्रक्रिया पे विचार, और 1931 के बाद हमारे देश में जाति गणना नहीं है। ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, इन पे हम लोग प्रकाश डालते रहें। और अभी जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने बात रखी, जो उन्होंने चौधरी साहब के संदर्भ में कहा, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है, बहुत अच्छी खुशी लगती है कि जब चौधरी साहब के जीवन के किसी भी पहलू पे एक सार्वजनिक मंच से बात होती है, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को है। दोनों ही उन महान व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने कहा, और सच्चाई जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं
उनका मेकअप भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और इसलिए जुडिशियल सर्विसेज में से जुड़े लोग ये जानते हैं कि अभी भी जुडिशरी में वो भागीदारी वंचित समाज के लोगों की, अनुसूचित जात जनजाति के लोगों की, पिछड़े वर्ग से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए लोगों की, महिलाओं की कम दिखाई देती है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जब बाबा साहब की हम मूर्ति वहाँ परिसर में लगा रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में जुडिशरी के कार्यप्रणाली में आए। एक पहलू जो विचारणीय है, और इसमें क्योंकि यहाँ जितने डेलीगेट्स हैं, हम बात तो वंचित समाज की करते हैं हमारा, लेकिन नाउ यू आर द क्रीम, यू आर द क्रीम, और हमें और आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो हमसे कमजोर हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक बड़ा बिंदु है, एक बड़ा विचारणीय सवाल है, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब का सपना था। हमें निरंतर सोचना होगा कि जातिता की भावना, ये जाति पे आधारित द्वेष और शोषण की जो भावनाएं हैं वो हमारे क्या डीएनए में है। देश में जितनी कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन क्या ये आखिरी बात कुरीति होगी जिसको हम खत्म कर पाएंगे अपने बीच में। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूँ, आप किसी कॉलेज के कैंपस में जब चुनाव होता है छात्रों के बीच, वहाँ माहौल देखिएगा। वकीलों के बीच जब बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, माफ कीजिएगा कोई वकील यहाँ हो, वहाँ जाके माहौल देखिएगा। दो ही बात होती हैं, क्षेत्र तो होता ही है लेकिन उससे ऊपर होता है जाति। इतने पढ़े लिखे वर्ग जो क्रीम है सोसाइटी के, जब वो भी चयन करते हैं तो उनके उस चयन के फैसले के पीछे कहीं ना कहीं घुमा के जातीय पहचान है। इस देश में क्राइम की हम बात करें, जो एट्रोसिटी एक्ट है SC ST का, उसमें कितने मुकदमे अब दर्ज हो रहे हैं, कहीं भी संख्या घटती नहीं दिखाई देती। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 के जो आंकड़े हैं, 53,886 मुकदमे SC ST के खिलाफ दर्ज हुए। अब उसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी, वो एक्चुअली उससे प्रेरित नहीं था जातिता से वो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज किया गया, और इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन रेट अंतिम छोर तक उस बात को, मुकदमे को पहुंचाने में हम लोगों की कमियां हैं। इसलिए मैंने शुरुआत की जुडिशरी पे सवाल लगाए हैं। ये सब हम सबको सोचना चाहिए कि हम चीज़ क्या गलत कर रहे हैं कि हम इसको काबू में नहीं ला पा रहे। अम्बेडकर जी के बारे में तो मैं कहता हूँ, वो एक सिर्फ व्यक्ति का नाम हम लेते हैं अम्बेडकर, वो ही नहीं है, वो अपने आप में एक सामाजिक आंदोलन और क्रांति की प्रतिमूर्ति हैं, ज्ञान का सागर है। इस देश में मुझ जैसे तो कितने भारी लोग अगर बैठ जाएं, और भी इंटेलेक्चुअल्स बैठ जाएं, कितने बैठ जाएं, 10 जीवन काल लगेंगे कि हम उनकी राइटिंग्स, उनके स्पीकिंग, उनके लिखे हुए मंत्रों को